हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। मैं हूं डॉक्टर अभिनव पंवार, एमबीबीएस एम्स न्यू दिल्ली से एंड गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है उन पेरेंट्स के लिए जिनका ड्रीम है कि उनका बच्चा एक डॉक्टर बने, एक अच्छा डॉक्टर बने और उनका नाम रोशन करे। तो ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने बचपन में ही ये ड्रीम बना लिया होगा कि जैसे ही जो बच्चा है पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, आपने ड्रीम बना लिया होगा कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी का डॉक्टर बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता ही नहीं, जिनकी फैमिली कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर बैकग्राउंड नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि बच्चे को कब पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, कब उसके ड्रीम को सीरियस लेना चाहिए, बच्चे में सिटिंग कैसे करवाई जाए, डॉक्टर बनने के लिए आखिर क्या क्या चाहिए होता है। तो ये सारे डाउट्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड मैं लेके आया हूं एक ऐसे इंसान को जिसने आपका जो ड्रीम है वो अचीव किया है इसी साल, हार्दिक ढल, नीट 2021 स्कोर 690 आउट ऑफ 720। कितना ज्यादा अच्छा स्कोर है, लाइक बहुत लोगों का ड्रीम होता है 600 के ऊपर स्कोर करना, हार्दिक ने स्कोर किया 690 आउट ऑफ 720 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 451। तो हार्दिक एक बहुत अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने वाला है और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन के आने वाला है। हार्दिक को मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि हार्दिक ने अपनी नीट की जर्नी 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर दी थी। 9th स्टैंडर्ड में हार्दिक हमारे साथ एसोसिएट हुआ था और उसने 4 इयर्स तक अपने ड्रीम पर काम किया और आज उसने अपना ड्रीम अचीव किया है। सो हार्दिक, वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि आप पेरेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करें कि इस वीडियो के बाद किसी के मन में 1% भी डाउट ना हो और कोई भी अपने ड्रीम से इसलिए ना रह जाए कि उनको पता ही नहीं था कि करना क्या था और कब करना था। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बड़े आराम से देखें, एंड आप इस वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा हो सके ऐसे पेरेंट्स के साथ जिनका ड्रीम है कि उनकी फैमिली में भी कोई एक उनका बेटा या बेटी उनका नाम रोशन करे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनके। सो हार्दिक, आपने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड में। Yes, आपने ड्रीम कब देखा था डॉक्टर बनने का? सर एक्चुअली मैंने 8th जैसी मैंने पास करी थी तो तभी मैंने विजुलाइज कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है। तो तभी मैंने 9th से ही अपने ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सारे पेरेंट्स के लिए और सारे बच्चों के लिए कि आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी लोग जब 10th भी पास कर लेते हैं उनको पता नहीं होता कि उनको क्या करना है। Yes. तो अर्ली स्टार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने आप के इंटरेस्ट को खुद ही पहचान लोगे और खुद ही डिसाइड कर लोगे सबसे पहले कि आपको किस फील्ड में जाना। तो इससे आपकी कैरियर काउंसलिंग, जिसकी आजकल बहुत मैं कहूँ प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे, हमने राइट चॉइस नहीं करी, वो सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी कैरियर काउंसलिंग की यहीं से सॉल्व हो गई। सेकंड जो है एडवांटेज इसका है कि आपकी सिटिंग 11th एंड 12th आपकी मांगती है स्टडी के लिए सिटिंग। आपका डेडिकेशन क्या है, आपकी हार्डवर्क मांगती है 11th एंड 12th। अगर वही चीज आपको 9th एंड 10th में ही मिलनी शुरू हो जाए, उसका इनपुट आप 9th एंड 10th में ही दे दो सर, तो वो आपके लिए 11th एंड 12th में बहुत अच्छा फ्रूट बेयर करती है और वही मेरे साथ हो। ये बहुत ही अच्छी बात बोली हार्दिक ने सिटिंग की। अब आप में से बहुत पेरेंट्स होंगे कि सर हमारा बच्चा तो 5 मिनट भी नहीं बैठ के पढ़ता, 5 मिनट बैठ जाएगा, 10 मिनट बैठ जाएगा, उसके बाद उसको उठना होता है। तो बच्चे में सिटिंग कब से डालनी है? अगर आपका बच्चा 5th 6th में भी है, आपको अभी से ही बच्चे के माइंड में ना हल्का हल्का डालना शुरू करना है कि हाँ तेरे को अपनी सिटिंग बढ़ानी है, अपने ड्रीम के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? इसका बेस्ट तरीका जो पर्सनली मैंने बहुत बच्चों में देखा है वो है कि बच्चे को जो भी उसका इंटरेस्ट वाला कोई फील्ड है उससे रिलेटेड बुक्स एंड नॉवेल्स ला के दीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल बच्चे को हैरी पॉटर बहुत पसंद है तो आप हैरी पॉटर नॉवल ला के दीजिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो थ्रिलर नॉवेल्स पसंद है, शर्लोक होम्स ला के दीजिए। मतलब बच्चे को कोई भी चीज ला के दीजिए कि वो एक जगह टिक के पढ़ना सीख जाए, पढ़ना समझ जाए कि 1 घंटा पढ़ना कैसे होता है। जब उसको वो बैठना आ जाएगा ना, तब वो अपने ड्रीम के लिए भी, डॉक्टर बनने के ड्रीम के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर पाएगा। तो आपको ये नहीं समझना कि मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, अभी 5th में ही है, 6th में है, अभी से ही मैं क्या शुरू करूंगा। नहीं, अभी से आपको उसको कंडीशन करना स्टार्ट करना है कि वो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाए। हार्दिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पेरेंट्स टीचर्स हैं? जी सर, मेरी मदर टीचर है, फादर कोऑपरेटिव सेक्टर में है। मेरे पेरेंट्स दोनों, मदर एंड फादर दोनों ही टीचर हैं। मैं भी बहुत सक्सेसफुल हुआ एम्स दिल्ली से, मैंने एमबीबीएस की, और हार्दिक भी बहुत सक्सेसफुल है, 690 और 720 आया। क्या कॉमन थीम है? हमारे घरों में माहौल बचपन से ही पढ़ने वाला रहा होगा, पढ़ाई को बहुत सीरियस लिया गया होगा।
तो यही चीज आपको अभी से करनी है। डजंट मैटर है आपका बच्चा अभी चाहे नाइन्थ में है, चाहे फिफ्थ में है, चाहे सेकंड में है, पढ़ाई को आपको अभी से ही प्राइमरी रखना है। बच्चों को आपको यह समझाना है कि पढ़ना इज नॉट एन ऑप्शन, पढ़ना एक नेसेसिटी है। आप अभी से उसके मन में डालना शुरू करो। और अगर बच्चा सिक्स सेवंथ में आ गया है तब आप उसको मेडिकल की तरफ थोड़ा सा, अगर उसका इंटरेस्ट है तो, अगर उसका इंटरेस्ट है वो चाहता है कि वो बन सकता है तो थोड़ा सा ओरिएंट करना स्टार्ट कर दें। एंड आई वुड से जिस हिसाब का जो कॉम्पिटिशन है, नाइन्थ क्लास इज द लेटेस्ट जब तक आपको नीट के लिए उसको श्योर शॉट पढ़ाना स्टार्ट कर ही देना चाहिए। इससे पहले करा सकते हो बट इसके बाद बहुत लेट मत करना। इलेवंथ ट्वेल्थ में अगर आप डिसाइड करवा रहे हो तो बच्चा कहीं बार ना काफी पीछे रह जाता है। जैसे हार्दिक ने नाइन्थ में स्टार्ट किया, तो हार्दिक क्या आपका इलेवंथ का सिलेबस जल्दी हो गया था? नहीं सर, नाइन्थ टेंथ में स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको इलेवंथ ट्वेल्थ के चैप्टर्स को नाइन्थ टेंथ में ही कर लेना है। नाइन्थ टेंथ में स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको जो बेसिक थोड़ा टच करना है इलेवंथ ट्वेल्थ का, आपको अपनी नाइन्थ टेंथ के ऊपर भी पूरा फोकस रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा करके इलेवंथ ट्वेल्थ के सिलेबस को टच करना है। हमारे नाइन्थ के जो जनरली चैप्टर्स हैं उन्हीं को हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके इलेवंथ में पढ़ते हैं, और जो टेंथ के हमारे चैप्टर्स हैं उन्हीं को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। तो आप साथ साथ थोड़ा नाइन्थ टेंथ में उनको पढ़ सकते हैं। और मैं ये भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर कि जो इलेवंथ ट्वेल्थ में हमारे पास जनरली ना हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर होता है ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस, ऑफ परफॉर्मिंग इन वेरियस एग्जाम्स, तो वो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी भी अगर आपके पास नाइन्थ टेंथ में ही आ जाए, जो कि शायद लॉन्ग सिटिंग्स आर से आपको जरूर मिलेगी, बिल्कुल, तो वो भी आपको एक अच्छा फ्रूट बियर करेगी आपके एंड रिजल्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली इसने, प्रेशर हैंडल करना। इलेवंथ क्लास का प्रेशर एक्सट्रीम होता है, टेंथ तक आप ये समझ लीजिए बच्चे को कोई प्रेशर ही नहीं है। जैसी बच्चा टेंथ से इलेवंथ में आता है, अगर उसने साइंस चूज किया है तो सिलेबस है ड्रास्टिकली बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे हार मान जाते हैं, तो अगर आप नाइन्थ टेंथ से उसको पढ़ने के अंदर डाल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सिलेबस रिलेट करके पढ़ा रहे हैं या बच्चा पढ़ रहा है तो उसको वो शौक नहीं लगेगा। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टेस्ट। बच्चे को जितना जल्दी हो सके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट दिलवा दीजिए, चाहे ओलंपियाड्स हो, चाहे एनटीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको बच्चे का फॉर्म जरूर फिल करवाना है कि बच्चे को चलता रहे पता कि कॉम्पिटिशन आखिर होता क्या है, एमसीक्यूज कैसे सोल्व करते हैं, ओएमआर कैसे फिल करते हैं, रिजल्ट आने पर क्या होता है। बच्चे को ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हार्दिक आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था नाइन टेंथ में? जी सर, मैंने एक्चुअल में टेंथ में एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसे क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये पॉइंट जरूर ऐड करूंगा कि मेरा मेन फोकस उसे क्रैक करना था ही नहीं, मेरा मेन फोकस था कि मुझे अपना नाइन टेंथ में ही अच्छा एक फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि मैं इलेवंथ ट्वेल्थ पे उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकूं। और उसका मुझे बेनिफिट जरूर दिखा। नाइन टेंथ में जो भी मैंने इलेवंथ ट्वेल्थ के टॉपिक्स को थोड़ा टच करा था, वो मुझे जब मैं इलेवंथ ट्वेल्थ में पढ़ रहा था रिवाइज करते हुए, तो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगे। और उन्होंने इसी की वजह से, शायद मैं कहूंगा अर्ली स्टार्ट की वजह से ही आज मैं ये रिजल्ट अपना डिजायर ले सका हूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली हार्दिक ने। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चे को फिफ्थ क्लास से ही आप मेडिकल की तैयारी स्टार्ट करा दो, कि फिफ्थ क्लास में उसे बोल दो इलेवंथ का पढ़ना स्टार्ट कर। नहीं, अर्ली स्टार्ट का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में, सेवंथ क्लास में बच्चे को बोल दो कि चलो आप इलेवंथ का पढ़ो। नहीं, अर्ली स्टार्ट का मतलब है बच्चे का माइंड सेट शिफ्ट करना, बच्चे की सिटिंग धीरे धीरे बढ़ाना, बच्चे को इस तरीके से कंडीशन करना कि वो इलेवंथ ट्वेल्थ में जब अपना सिलेबस पढ़ेगा तब वो उसको बहुत अच्छे से कर पाए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सिटिंग बढ़ाई जाए। दूसरा, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ओलंपियाड चाहिए सेकंड या थर्ड से ही स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें सिलेबस भी सेकंड या थर्ड का ही आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराना आपको बहुत ज्यादा, लेकिन आप एग्जाम जरूर दिलवाइए। आप उसको इतना जरूर पढ़ने को बोलिए कि वो एग्जाम लेवल क्रैक कर पाए, एग्जाम दे के देख सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज अगर आप करेंगे लॉन्ग रन में और बच्चे का इंटरेस्ट रहा अगर फील्ड में, देन मैक्सिमम चांसेस हैं कि बच्चा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जैसे हार्दिक ने किया और मैंने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक करेगा और अपने ड्रीम को अचीव कर पाएगा। सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आगे आने वाली हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो ऐसी कोई भी वीडियो आती है अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मेक श्योर आप उस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, एंड हम लोगों की हेल्प के लिए हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड इसको अच्छे से शेयर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।